इज़राइल कर देगा हिजबुल्ला को तबाह। अंडरग्राउंड कमांड सेंटर पर बरसाए बम, 50 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया। इज़राइल लगातार हिजबुल्ला पर हमले कर रहा है और जिस तरह से इज़राइल हिजबुल्ला पर मिसाइलें दाग रहा है उससे तो साफ हो गया है कि हिजबुल्ला को तबाह करने के बाद ही इज़राइल सांस लेगा। इस बीच खबर ये आई है कि इज़राइल की सेना ने दक्षिणी लेबनान में हवाई हमले किए हैं। इजरायली रक्षा बलों ने लेबनान में हिजबुल्ला के अंडरग्राउंड कमांड सेंटर पर कई एयर स्ट्राइक की हैं। इजरायल की तरफ से की गई इस सैन्य कार्रवाई में 50 से ज्यादा आतंकी मारे गए। मारे गए आतंकियों में हिजबुल्ला के साउथ फ्रंट और राडवान फोर्स के 6 सीनियर कमांडर भी शामिल हैं। इतना नहीं, इजरायली एयरफोर्स ने हिजबुल्ला की नासिर, बदर और अजीज यूनिट्स पर भी भीषण हमले किए हैं। इजरायली सैन्य प्रवक्ता डेनियल हगारी ने कहा कि इजरायली एयरफोर्स के जेट विमानों ने दक्षिणी मोर्चे पर हिजबुल्ला के अंडरग्राउंड सेंटरों पर हमले किए, जिससे उन आतंकियों का सफाया हो गया जो इजरायल के उत्तरी इलाकों में हमला करने की योजना बना रहे थे। हगारी ने कहा कि इजरायली रक्षा बल दक्षिणी लेबनान में जमीनी अभियान और हवाई हमले जारी रखेंगे। आतंकी संगठन हिजबुल्ला को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए हमले किए जाएंगे। इन हमलों का मकसद उत्तर के लोगों को सुरक्षित रूप से उनके घरों में वापस लाना है। डेनियल ने कहा कि हिजबुल्ला के आतंकी गैलील पर हमले की योजना को अंजाम देने के लिए जिम्मेदार थे। सटीक जानकारी के आधार पर इजरायली जेट विमानों ने हिजबुल्ला की रॉडवान फोर्स, नासिर, बदर और अजीज यूनिट्स पर हमला किया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 50 से ज्यादा दहशतगर्दों को मार गिराया है, जिनमें 6 कमांडर भी शामिल हैं। इजरायल ने पिछले हफ्ते भी दक्षिणी लेबनान में जमीनी हमले भी शुरू किए थे, जो लगातार जारी हैं। इस बीच हिजबुल्ला ने कहा कि उसने अपने मृतक कमांडरों के स्थान पर नई नियुक्तियां कर दी हैं। इस पर इजरायली सेना की तरफ से ये भी कहा गया कि वो जल्द ही लेबनान के दक्षिणी तट पर अभियान शुरू करेगी। इजरायली सेना ने भूमध्य सागर के 60 किलोमीटर क्षेत्र में लोगों और मछुआरों को समुद्र तट से दूर रहने की सलाह दी है और चेतावनी भी दी है। सेना के बयान में यह स्पष्ट नहीं किया कि किस तरह का अभियान चलाया जाएगा, लेकिन अब इजरायल जिस तरह के हमले हिजबुल्ला पर कर रहा है उससे तो साफ हो जाता है कि हिजबुल्ला के खिलाफ इजरायल की जंग फिलहाल तो खत्म होती नहीं दिख रही। और इस जंग में ईरान की जब से एंट्री हुई है तब से हालात और ज़्यादा बिगड़ते जा रहे हैं और ये जंग और ज़्यादा भीषण और तेज होती जा रही है। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।